एक तरफ तो प्रदेश सरकार गरीबों व मजलूमों को मदद के लिए कई योजनाएं चला रही है, वहीं इंदौर नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है जिसने लोगों के दिल दहला दिए हैं। इस कपकपाती ठंड में जहां लोग गरीबों व बुजुर्गों की मदद कर रहे हैं, निगम के कर्मचारी फुटपाथ से असहाय लोगों को उठाकर शिप्रा नदी पर छोड़ने के लिए ले गए। मामला तो तब बिगड़ गया जब बुजुर्गों ने इसका विरोध किया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इंदौर में निगम कर्मियों का अमानवीय चेहरा सामने आया है। निगम कर्मियों द्वारा स्वच्छता के नाम पर अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। इस कपकपाती ठंड में जब लोग अपने घरों में गर्म कपड़ों व अलाव के बावजूद उनका सामना नहीं कर पा रहे हैं, तब निगम कर्मी सड़क के फुटपाथ से गरीब व असहाय लोगों को बजाय मदद करने के उनको निगम की गाड़ी में भरकर शिप्रा नदी के किनारे ले जा रहे थे। विरोध करने पर वापस गाड़ी में उनको बिठाया। निगम कर्मियों का अमानवीय व्यवहार का ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो ताबड़तोड़ निगमायुक्त ने रेन बसेरे के दो निगम कर्मी ब्रिजेश लश्करी और विश्वास वाजपेयी को सेवा से मुक्त कर दिया। निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने कहा कि उक्त मामले की जांच के बाद जो भी निगम कर्मी निगम अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उसकी सच्चाई क्या कहेंगे? जैसा कि आप देख रहे हैं इन दिनों बहुत ठंड पड़ रही है और परंपरागत रूप से भी ये निर्देश स्थायी रूप से हैं कि ऐसे लोग जो सड़कों के किनारे या फुटपाथ पर हैं तो उनको रेनबसेरा ले जाया जाए। और अभी आयुक्त महोदय के बड़े कड़े निर्देश हैं कि इस तरह के ठंड आदि को देखते हुए रात में या मॉर्निंग आवर्स में कोई ऐसा दिखता है तो उसको रेनबसेरा ले जाएँ, उसको रेनबसेरा में छोड़ें और यही कार्रवाई की जाती है। अभी जो सामने आ रहा है उसमें रेनबसेरा ही छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो प्रारंभिक तौर पर लग रहा है कि कुछ मिसहैंडलिंग हमारे लोगों ने की होगी या उसके कहने पे कुछ कहीं सीधे रेनबसेरा क्यों नहीं पहुंचे, तो हमने भी तत्कालिक कार्रवाई करते हुए हमारे दो कर्मचारी जो वहां थे उनको सेवा से पृथक कर दिया। श्री ब्रजेश लश्करी और विश्वास वाजपेयी, ये दोनों रेनबसेरा कर्मचारी हैं, इन दोनों को सेवा से पृथक कर दिया। किसके आदेश पे लेके गए थे शिप्रा तक इन लोगों को? ये अभी कहाँ लेके क्या लेके पूरी जाँच करते कि विभिन्न स्थानों से ये लोग ऐसे लोगों को लेकर रैन बसेरा छोड़ते हैं और यही निर्देश है। और आप देख ही रहोगे 10 रैन बसेरा नगर निगम के हैं और उस पर नियमित रूप से सारी व्यवस्थाएं रहती है, आपने खुद देखी होंगी।